मेजरमेंट्स को क्या करना है, इनकी जो यूनिट्स है उनको
चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल 12 किलोमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में. तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखा होता है, सॉल्यूशन. अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे इनटू 1000, सेंटीमीटर इनटू 100, मिलीमीटर इनटू 10. सेंटीमीटर में एमएम को कन्वर्ट करते हो डिवाइडेड बाई 10. सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइडेड बाई 100 और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाई 1000. अब देखना है अपने को किस जगह हुआ किलोमीटर, कहाँ जानना है मीटर. तो क्या करना होगा, इनटू 1000 यहां लिखना होगा. वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ये हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. सो इसीलिए 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 इंटू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में. 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 कितने जीरो, 30 मीटर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 and 1/2 किलोमीटर. तो सॉल्यूशन पता है बेटा, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर. तो 10 to the 20 or 1 21 upon 2 किलोमीटर इसको किस में कन्वर्ट करना होगा अपने को, मीटर में. आपको पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं इनटू 1000. सो 2 and 1/2 into 1000. 1000 से मल्टीप्लाई करते ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में. अब देखो होल नंबर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1. 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 5 10 और 2 0. वैसे ही पता है 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ होता है कितना हो गया 500. अब 21 into 500 meter. 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 21 5 5 5 5 5 5 5 5 105. कितने जीरो, 20. 10500 meter. सॉल्यूशन 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से. 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 100, 100 और 1 101 upon 4 into क्या है, मीटर इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. तो 101 upon 4 सेंटीमीटर में. अभी कहाँ हो आप, मीटर. यहाँ खड़े हो कहाँ जाना है, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर वाले स्टेशन पे जाना है तो किससे, 100 रुपीज आपको किराया देना होगा. किसके रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में. तो इनटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में. होल नंबर पार्ट है अपॉन में, किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में. अब आपको ध्यान देना है कि 4 का हाफ कितना होता है 2, 100 का हाफ कितना होता है 50. फिर इसको 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2, हाउ मेनी टाइम्स, 25. 25 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 101 से इनटू 25. किसमें कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर यूनिट लिखना जरूरी है. अब देखो 101 25, 5 5 5 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0. 5 5 5 into 2 2 0 2 2 5 2 5 2.
सेंटीमीटर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 15 m³/4 मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो यहां ध्यान देना, देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 15 × 4 = 60, 60 और 3 = 63/4 मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो वी नो दैट वन मीटर इज इक्वल टू 100 cm, सो 63/4 मीटर इज इक्वल टू 63/4 × 100 cm। 100 से मल्टीप्लाई करते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। अब देखो 4 का हाफ 2, 100 का हाफ 50, 2 का हाफ 1, 50 का हाफ 25, 63 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 63 × 25, 5 × 3 = 15, केरी 1, 5 × 6 = 30 और 1 = 31, इंटू 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 5 × 7 = 51, 1575 cm आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 and 1/5, तो 4 × 5 = 20, 20 और 1 = 21/5 सेंटीमीटर, इसमें कन्वर्ट करना क्या, mm। अब बताओ आप कहां हो, सेंटीमीटर, कहां जाना है, मिलीमीटर। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो वी नो दैट 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, सो 21/5 cm इज इक्वल टू 21/5 × अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कन्वर्ट हो गए mm, इसको अपॉन में क्या लगा सकते हैं, 1 फ्रैक्शन बनाने के लिए। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 21 × 2 mm इज इक्वल टू 42 mm आंसर। वन एंड फोर अपॉन फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, 5 × 5 = 4, 9/5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm। वी नो दैट 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। सो 9/5 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, मिलीमीटर में। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9/5 × 10, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में। अब देखो 5 × 5, 5 × 10, 9 × 18 mm आंसर। इट्स ओके, हैव अ नाइस डे।